वेलकम टू नुक्कड़ लाइफ। मैं सैयद आसिम आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम आए गवंडी के शाहू महाराज गार्डन में, जहां पे एक फुटबॉल टीम फुटबॉल मैच का यहां पे एक चैंपियनशिप रखा गया था। आइए हमारे साथ बात करने के लिए युवा नेता इरफान जी, इनसे बात करते हैं। इरफान जी, ये जो फुटबॉल मैच रखा गया था, किस पे मामले पे रखा गया था? फॉक्स पासर फुटबॉल टूर्नामेंट अनूप सर ने रखा है और हमको बहुत खुशी है कि अनूप सर हमारे गोंडी शिवाजी नगर के बच्चों के लिए फुटबॉल में बहुत अच्छे परफॉर्म करा रहे हैं और बच्चे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये बच्चे हमारे एक दिन स्टेट लेवल पर खेलेंगे और हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे, हमारे इंडिया हमारे भारत का नाम रोशन करेंगे। इसमें सब जो ये मैच रखा गया था फुटबॉल टीम रखी थी, इसमें सिर्फ गवंडी के बच्चे हैं कि गवंडी के बाहर आसपास के जो एरिया है, चेंबूर है, कुरला घाट के ऊपर, जैसे यहाँ के भी ये बच्चे आके यहाँ पे खेल सकते हैं कि वो बच्चे भी यहाँ पर हैं? नहीं, वो बच्चों को अनूप सर से कॉन्टेक्ट करना, बच्चे सभी खेल सकते हैं। बच्चों को अच्छा खेलता देख हमारी उम्मीद है और सारे बच्चे हमारे हिंदुस्तान के, हमारे भारतवर्ष के हैं और यहाँ पर लल्लू भाई मानकुर वहाँ से भी बच्चे आ रहे हैं, यहाँ पर खेल रहे हैं। तो जो ये मैच रखी गई थी फुटबॉल टीम, आपका अक्सर दिखा गया है कि आप हमेशा फुटबॉल में इंटरेस्ट आपको ज़्यादा दिखा है, फुटबॉल मैच रखा गया है और भी स्पोर्ट्स गेम है जैसे वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है और लेडीज लोग का खो खो होता है, तो वो सब स्पोर्ट्स के लिए और इंडोर गेम है, कैरम है, चेस है और इंडोर गेम आउटडोर गेम के लिए, इसके बारे में आप और क्या कहना चाहेंगे जैसे और स्पोर्ट्स गेम जो है? मैं सारे स्पोर्ट गेम जो है यहाँ पर हमारे बच्चों को कराना चाहता हूँ। जब भी हमारा स्टेज से जब भी स्पीच होती है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बच्चे बास्केटबॉल के शौकीन है, जो बच्चे खो खो कबड्डी खेलना चाहते हैं या और भी जितनी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ है वो करना चाहते हैं, वो हमसे कॉन्टेक्ट करें, हम उनको सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल करा के देंगे। जैसे फुटबॉल में बच्चे भी ये जो जीते हैं, फुटबॉल अक्सर देखा गया है कितने बच्चों जो खेलने में एक्सपर्ट होते हैं उनको आगे का स्कोप नहीं मिल पाता है, तो उन बच्चों के लिए आप क्या उनको अपनी तरफ से सहायता देंगे, उनके लिए क्या आपका जो भी सहायता रहेगी इन बच्चों को हम लोग देंगे। और सबसे मैं ज़्यादा अनूप सर की सराहना करूँगा कि इनके वजह से आज गोंडी शिवाजी नगर के करीब करीब 350 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये मैच कब से, मतलब कितने दिनों से स्पोर्ट्स चालू था, कितने दिनों का गेम था? करीब करीब ये 40-42 दिनों से स्पोर्ट चालू था और आज इसका फाइनल था और हमारे शिवाजी नगर के सीनियर पीआई वो सर भी यहाँ पर आए, बच्चों का हौसला अफजाई किया और अनूप सर आप ऐसे ही करते रहिए, हमको इनसे बहुत लगाव है। बच्चों को साथ साथ इसके साथ मैसेज देना चाहता हूँ, आप लोग एजुकेशन की तरफ भी ध्यान दीजिए, एजुकेशन ही आप लोगों की लाइफ चेंज करेगी। आप लोग, हम लोग चाहते हैं कि हमारे गोंडी शिवाजी नगर के बच्चे मराठी में बात करें, इंग्लिश में बात करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने स्कूल का नाम रोशन करें, अपने टीचर, हमारे अनूप सर भी एक टीचर है, इनका नाम रोशन करें और हम इन लोगों को उम्मीद है कि ये लोग इंटरनेशनल में खेलेंगे और हम जब भी इनका मैच देखेंगे तो हम गर्व से कहेंगे हम ये बच्चे जब खेला करते तो हम इनका मैच देखा करते थे। हमारे साथ बात करने के लिए जो इस मैच को पूरा जो संभाले हैं अनूप सर जी, आइए उनसे भी बात करते हैं कि सर ये आप ये मैच खिला रहे, कब से आप ये मैच को स्पोर्ट्स में आपको इंटरेस्ट है, कब से खिला रहे हैं? हम करीब 2016 से खिला रहे हैं यहाँ पे फुटबॉल और ये धीरे धीरे गवंडी का नाम इसमें फुटबॉल में बढ़ता जा रहा है। तो पहले हम बहुत छोटे स्तर पर खिलाते थे, अभी हम मुंबई फुटबॉल एसोसिएशन में भी टीम डाले हैं और ये हुआ है क्योंकि कम्युनिटी का सपोर्ट है। अगर यहाँ सपोर्ट नहीं मिलता पेरेंट्स का, बच्चों का, लीडर्स का, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो छोटे छोटे कदम पे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी तक ये जो 40 से 45 डेज का जो ये गेम था, इसमें कितनी टीम ने पार्टिसिपेट लिए थे? टोटल 24 टीम थी इस वाले लीग में, 270 बच्चे करीब थे जो 20 यंग लीडर्स ने मैनेज किया। हमने 124 मैच कराए हैं, सब गोवंडी के बच्चों ने ऑर्गेनाइज किया, सब गोवंडी के बच्चों ने मैनेज किया। तो ये हम दिखाना चाहते हैं कि गोवंडी में जब मौका मिले तो गोवंडी कुछ कर सकता है। तो जो टीम इसमें थी, इसमें से कितनी टीम इसमें से जीती है और जो टीम हारी है उनके बारे में आप क्या शब्द कहना चाहेंगे? हर कैटेगरी में एक एक टीम जीती, तो 4 विनर हुए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे हारे हैं। दूसरे पार्टिसिपेट जो किए हैं, जो हिम्मत से खेले हैं, जो सीखे हैं, सबसे बड़ी लर्निंग स्पोर्ट्स में मेडल में नहीं मिलती है, वो ग्राउंड पे जो मिट्टी में आप गिरे हो, जो आप दोस्ती बनाई है, जो आपने वैल्यू सीखी है उसमें मिलती है। तो उनको भी विनर्स ही कहूँगा मैं। तो आप एक फुटबॉल टीम की तरफ से और गवंडी वालों के लिए आप दो शब्द क्या कहना चाहेंगे? कि गर्व से कहो हम गवंडी से, हमारा यहाँ गवंडी का नाम बढ़ाओ, स्पोर्ट्स में आप लोगों की बच्चों की इतनी माहिरता है कि उनको बाहर निकल के डिसिप्लिन और मेहनत से वो करना चाहिए। हमारे साथ और यहाँ पे जो फुटबॉल टीम में जो जीते हैं वो बच्चे भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि उनको ये जीत हासिल हो गए, कब मिल के कैसा उनको लग रहा है?
नाम आपका? शेख हाशिम। टीम का नाम आपकी? फायर स्ट्राइकर्स। क्या नाम है? फायर स्ट्राइकर्स। आप ये कब से खेलने फुटबॉल में आए हो? 2019। अच्छा, फुटबॉल ऐसे आपने चॉइस क्यों किया? अच्छा लगता है, देख के अच्छा लगा थोड़ा खेलने, चिल्लाना है स्ट्राइकर, अच्छा लगता है थोड़ा खेलने में। आप सबकी ये टीम है पूरी? हाँ। आपके कोच? हमारे कोच तो अभी तो अनुप भैया ही सिखा रहे थे हम लोग को। ये एक टीम की और एक टीम और यहाँ पर हमारे साथ आइए, इनसे भी हम बात करते हैं, जानते हैं। बेटा आपका नाम? मोहम्मद रजा खान। मोहम्मद रजा खान, आप किस चीज में जीते हो? फुटबॉल में। फुटबॉल टीम में। आप फुटबॉल कब से, आप फुटबॉल को शौक आया आपको खेलना? मुझे अभी ये 6 महीने में आया। मैच छोड़ के आप फुटबॉल पे इतना ध्यान दिए थे क्यों? क्योंकि पहले मेरा भाई खेलता था, मेरे अब्बू खेलते थे, इस वजह से देख के मैंने खेलना चालू करा था। टीम का नाम आपकी? वॉरियर्स। वॉरियर्स, एक और बच्चे हमारे साथ, नन्हे बच्चे, इनसे भी बात करते हैं। बेटा आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सारिम। मोहम्मद सारिम, सारिम आप किस टीम से खेलते हो? मैं डायनामोस। डायनामोस में आप क्या रोल अदा करते हो अपनी टीम के लिए? फिर से बोलिए। क्या खेलते हो आप अपनी टीम में? मैं अपने टीम में गोलकीपर खेलता हूँ। गोलकीपर हूँ, क्योंकि मेरे को गोलकीपर सही लगता है। गोलकीपर पसंद आता है। आप मैच क्यों नहीं पसंद किए? मैच के और भी गेम्स हैं। क्योंकि मैं पहले भी वही खेलता था, मेरे को बचपन से वही आता था फुटबॉल, इसलिए। तो अभी आप आगे और अच्छा खेलना चाहोगे और खेलोगे? यस। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ गवंडी। तो ये इरफान भाई ने टॉस किया और देखते हैं कौन जीतता है टॉस। तो वॉरियर्स टॉस जीत गई है। टेबल हुआ अभी तक ये लोग 10-10 मैच खेल चुके हैं दोनों टीम में। टॉप बॉयज चेंज करो, टॉप पे ये है ना, सेकंड पे ये है, अभी फाइनल में सुजीत भाई चलो भाई हट जाओ भाई भाई हाँ हाँ हट जाओ एक मिनट अंदर आना अंदर आ Next we have from the senior category runner ups warriors please come on the stage warriors, warriors, warriors.